अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ अचार गोश्त की रेसिपी। तो चलें शुरू करते हैं आज की रेसिपी। चलें देख लेते हैं हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ्रेंड्स, यहाँ हमने लिया है आधा किलो गोश्त मटन का, 1 टीस्पून अदरक पाउडर, 1 टेबल स्पून चार गोश्त मसाला, 1/2 टीस्पून कुटी हुई मिर्च, 1 टीस्पून लहसुन पाउडर, 1 टेबलस्पून नमक और 1/2 टीस्पून हल्दी, 2 दरमियाने साइज़ के टमाटर, 4 हरी मिर्चें, 2 प्याज और ऑयल। अब हम गैस पे कढ़ाई रखेंगे और इसमें थोड़ा सा कुकिंग ऑयल डालेंगे। ऐसे ही हमारा ऑयल गर्म होता है, इसमें हम डाल देंगे 2 कटे हुए दरमियाने साइज़ के प्याज। प्याज को हमने तब तक पकाना है जब तक कि ये ब्राउन ना हो जाए। फ्रेंड्स, आप गोश्त को पतीले या प्रेशर कुकर में भी बना सकते हैं, लेकिन जो कढ़ाई में बनाया जाता है इसका टेस्ट ही अलग होता है। यहाँ पर प्याज को हल्का सा गोल्डन कलर आ गया है। अब हम इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून अदरक का पाउडर और 1 टेबलस्पून लहसुन का पाउडर। फ्रेंड्स, आप चाहें तो फ्रेश भी डाल सकते हैं, मेरे पास अभी अवेलेबल नहीं था तो मैंने इसलिए लहसुन और अदरक का पाउडर डाला है। 10 मिनट लहसुन और अदरक के पाउडर को फ्राई कर लेंगे। अब इसमें 1/2 किलो मटन ऐड करेंगे और गोश्त को प्याज के साथ थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। यहाँ पर हमारा गोश्त हल्का सा फ्राई हो गया है। अब हम इसमें बाकी जो मसाले थे वो ऐड कर लेंगे और इसे थोड़ी देर के लिए और भून लेंगे। अब हम इसमें 1.5 ग्लास पानी का ऐड कर देंगे। और अब हम इसको ऊपर से कवर कर देंगे 30 से 35 मिनट के लिए, ताकि गोश्त जो है वो अच्छी तरह से गल जाए। तो फ्रेंड्स, मिलती हूँ आपको 30 मिनट के बाद। यहाँ पर हमें 35 से 40 मिनट हो गए हैं, गोश्त हमारा अच्छे से गल गया है। ये गोश्त पे डिपेंड करता है कि कौन सा गोश्त है। ये देखें, काफ़ी हद तक जो है वो गोश्त गल गया है। और अब हम इसमें 2 टमाटर ऐड करेंगे और टमाटर सॉफ्ट होने तक हम इसे भून लेंगे। ऑयल ऊपर आने तक हम इसे मज़ीद भूनेंगे ताकि टमाटरों का पानी भी ड्राई हो जाए। टमाटर हमारे अच्छे से गल चुके हैं, अब हम इसमें 1 चम्मच ज़ीरा ऐड करेंगे। और अब हम इसे 2 से 3 मिनट के लिए मज़ीद कवर करके रख देंगे ताकि पानी अच्छे से ड्राई हो जाए। फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारा पानी अच्छे से ड्राई हो गया है। ये साइडों से ऑयल निकलना शुरू हो गया है। यहाँ पे मैंने 4 हरी मिर्चें ली थी और उसमें अचार गोश्त मसाला ऐड किया था, वो अब हम इसमें ऐड करेंगे।
फ्रेंड्स आप चाहें तो इसमें पानी भी ऐड कर सकते हैं ग्रेवी के लिए, मैं यहाँ पे पानी ऐड नहीं कर रही हूँ। बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू के साथ अचारी गोश्त हमारा यहाँ पे तैयार है। आप चाहें तो आप इसमें हल्की सी ग्रेवी भी रख सकती हैं। अब हम इसे डिश आउट करेंगे। खुशबूदार लज्जत से भरपूर अचार गोश्त हमारा यहाँ पे तैयार है। आप इस तरीके से बनाएं और सबको बनाकर खिलाएं। इंशाल्लाह सबको बहुत पसंद आएगा। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें और शेयर करें।